नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर, दिनेशपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल में पूरे भारत वर्ष में नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के अलावा कई नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। नगर पंचायत की उपलब्धि पर पंचायत अध्यक्ष सीमा सराकार सहित सभी सभासदों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद और बधाई देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि दिनेशपुर ने केवल नगर का ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, बहुत जल्द किसानों से बात कर पूरे मामले को निपटा लिया जाएगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे सहित सभी भाजपा के नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के साथ एक समान सम्मान करती है। भाजपा का लक्ष्य है कि समाज के सबसे कमजोर तबकों को समाज के मुख्य धारा में लगकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। इसके लिए देश भर में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इस दौरान विधा एजुकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई दिव्य ऐप का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें बच्चों को एजुकेशन के लिए मुख्य अतिथियों द्वारा मोबाइल भी वितरित किए गए। इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े, जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहे हिंदी मीडियम से पढ़े, दोनों मीडियम होगा। और बाकी काफी शुरू का सत्र क्या है? बिल्कुल, हमारी अब तो जियो हो ही गया, सारे मानक हमने तय कर दिए, स्कूल चिन्हित कर लिए, बजट भी हमने इसके सापेक्ष जारी करने का निर्णय ले रहे हैं और उम्मीद है कि मुझे लगता है अगला सत्र हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय को संचालित कर लेंगे। कोई किसान हमारा विरोधी नहीं है ना। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में, और साथ साथ मोदी जी की योजनाएं जो हैं, जो जनता को स्वावलंबी इज्जतदार बनाने की हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे, चाहे प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या जिलाध्यक्ष हों, MP हो, MLO, सभी कार्यकर्ता हैं, सभी का ही जो पुरुषार्थ किया है वो काम आएगा। विकास नहीं हुआ ना, इसलिए उनको विकास दिखाई नहीं देता है, और उनका विकास हो जाता तो उनको विकास दिखाई देता। आज जो उत्तराखंड में विकास दिखाई दे रहा है, जो काम हमने किए हैं ना, वो करा भी जीवन में नहीं सोच सकते। पानी के लाइन जो बिछाने की बात कर रहे हैं वो हमने शुरू की है, पानी देने की बात कर रहे हैं वो हमने कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या मोदी जी के साथ है और बिल का समर्थन करती है। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, 15 तारीख को बात होगी और उसका हल निकलेगा।